कुछ नहीं बदला, तस्वीर वही है। लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान की जनता ने बहुत आशा आकांक्षा लेकर मोदी सरकार को वोटिंग किए थे और क्लियर मेजोरिटी में सरकार आने के बावजूद भी अभी तक देश के गरीब जनता के लिए कुछ किए हैं ऐसा नहीं लगता है। बाकी ये गरीब जनता के बारे में बोलते हैं कि 12 रुपया पेन प्रीमियम में हम 2 लाख रुपया इंश्योरेंस देंगे, तो वो किसके लिए है? 12 रुपया लेते हैं और कितने साल के लिए, वो सारे मेंशन किए हैं, लेकिन कितना लोगों का एक्सीडेंट में डेथ होता है ये स्टैटिस्टिक सरकार के पास है? एक्सीडेंटल डेथ में ही ये मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलने वाला है। इसलिए गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, गरीब लोगों का बाकी ढंग से नहीं मृत्यु होता है क्या? ओल्ड एज में नहीं मृत्यु होता है क्या? अगर ये स्कीम लाना है तो सबके लिए, जिसका ओल्ड एज में भी जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, लोग ऐसे सड़ सड़ के मर रहे हैं। अगर कोई इंश्योरेंस करना है तो ये सारे लोगों के लिए करना चाहिए। जिस भाषा बोल के यहाँ के रिटेल मार्केट से आप वोट लिए हो, अभी उससे मुकर जाते हो, और वहाँ भी सारे छोटे लोग ही है, और किसी जमाने से इन लोगों को बताया जाता है कि मिडिल क्लास ट्रेडर्स पार्टी है, लगभग वही है, लेकिन मिडिल क्लास ट्रेडर्स को भी ये धोखा दे रहे हैं। पिछले एक साल में इस देश के गरीब जनता के लिए कुछ हुआ है ऐसा मुझे नहीं लगता। हम सब संघ के लिए कमिटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संघ का एक अपना सिस्टम है, वो कभी किसी भी संगठन के बारे में उनका कहना है कि अब स्वतंत्र स्वायत्त संगठन है, ये सारे अपने निर्णय करते हैं और करते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे संघ का कोई मदद चाहिए तो हम करेंगे, लेकिन ऐसे रोजमर्रा का सारे विषय पर संघ नहीं आता है। पिछले सारे सरकारों ने ट्रेड यूनियन से बात करता था, अभी ये सरकार शुरू किया है प्रेशर डालने के बाद, इससे पता चलता है एटीट्यूड सब। मजदूरों के लिए कुछ होता नहीं, ये तो हम साफ शब्द में बोल रहे हैं ना, माइंड सेट ऐसा है कि मजदूर कुछ करते नहीं। और हमारा सवाल है, मजदूर कुछ करता नहीं तो देश में प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है?